हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अप। पिछले लेक्चर्स में हम कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक अर्थ, कि मेरा ब्रिक में कौन से इंग्रेडिएंट होंगे जो ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके जो साइज शेप को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो पहला है लाइम, ठीक है। तो लाइम के कारण हम देखते हैं कि मेरा हार्मफुल कैसे होता है किसी भी ब्रिक के लिए। अगर किसी भी ब्रिक में एक्सेस अमाउंट में अगर लाइम प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो जो ब्रिक है वो मेल्ट कर जाएगा, या फिर उसका शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी शेप धीरे धीरे उसका बर्बाद होगा। नेक्स्ट है आयरन पायराइट। अगर आयरन पायराइट अगर होगा किसी भी ब्रिक में तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा जब बर्निंग प्रोसेस में जाएगा तो। क्योंकि जो आयरन पायराइट है वो जलने के कारण क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पायराइट, ऑक्सीडेशन अगर उस प्रोसेस में होगा जिसके कारण वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कलीज। किसी भी ब्रिक में मेरा जो अल्कली होता है वो मैक्सिमम दो फॉर्म में पाया जाएगा, पहला सोडा या फिर पोटास के फॉर्म में। तो अल्कली क्या करता है कि अल्कली एक्ट्स एज अ फ्लक्स इन द किल्न ड्यूरिंग बर्निंग, एक फ्लक्स क्रिएट करता है ड्यूरिंग, जब मेरा ब्रिक जब बर्निंग प्रोसेस में रहेगा तो एक फ्लक्स क्रिएट करेगा, और वो जो फ्लक्स क्या करेगा, काउज द ब्रिक टू फ्यूज हो सकता है, या फिर ट्विस्ट होगा, या फिर वार्प होगा, कि मेरा ब्रिक टूट जाएगा या फिर घूम जाएगा या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है पेबल्स। द प्रेजेंस ऑफ पेबल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ अनडिजायरेबल इन ब्रिक अर्थ बिकॉज इट विल नॉट अलाउ टू क्ले टू बी मिक्सड यूनिफॉर्मली, इट काउजेज पोरस ब्रिक। कि अगर किसी भी मेरा ब्रिक में अगर पेबल्स होंगे किसी भी फॉर्म में, तो पेबल्स क्या करेगा, क्ले को यूनिफॉर्मली बनने के लिए नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो ब्रिक के अंदर क्या होगा, छोटा छोटा होल रह जाएगा या फिर उसमें पोरस रह जाएगा, जिसके कारण जो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक का, कोई भी लोड को बढ़ाने की जो क्षमता है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसके बाद आता है वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर। अगर मेरा किसी भी ब्रिक में अगर ऑर्गेनिक मैटर आ गया, यानी वेजिटेशन के कारण अगर मेरा उसमें जड़ वगैरह पत्ते वगैरह ये सब आ जाते हैं, तो वो कम्प्लीटली अगर ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस अगर वो सारे जो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक जो मैटर है वो जल गया तो ठीक है, अगर वो नहीं जलेगा तो पोरोसिटी को क्रिएट करेगा, पोरस मेरा धीरे धीरे जो है उसके अंदर होल रह जाएगा, और होल रहने के कारण जो मेरा ब्रिक है वो वीक रह जाएगा, तो वो ज्यादा लोड को सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पांच इंग्रेडिएंट्स थे जिसके कारण जो ब्रिक के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, साइज, शेप और उसके जो स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करेगा, हार्मफुल अफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मोटो रहेगा कि ये सब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे जो ब्रिक सिस्टम में कम से कम मिले, ताकि जो मेरा ब्रिक अच्छे क्वालिटी का ब्रिक हमें मिले। तो आइए अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक, कि हमारा जो ब्रिक है ब्रिक को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ब्रिक को बनाने में हमारे पास चार ऑपरेशन यूज होते हैं, ठीक है, ओके। तो पहला मेरा जो स्टेप है उसमें होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमें कितने अमाउंट में क्ले चाहिए, उसको क्या है कि जितने उस पे पेबल्स वगैरह होंगे वो सबको हटाएंगे, जितने मेरे ऑर्गेनिक मैटर है वो सबको हटाएंगे, जिसके कारण मेरा प्रिपरेशन ऑफ क्ले हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आ जाता है मेरा मोल्डिंग। क्ले को जब प्रिपेयर करने के बाद उसको सेकेंड प्रोसेस मोल्डिंग किया जाता है, ताकि मेरा जो रॉ जो क्ले है वो क्या करेगा, एक मोल्ड एक शेप में मेरे को मिल जाएगा, ओके। थर्ड प्रोसेस है ड्राइंग। जब मोल्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रिक को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं ताकि ब्रिक मेरा सूख जाए, ओके। ड्राइंग के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ब्रिक अगर हम उसको जब बर्निंग प्रोसेस में हम जब गुजारेंगे तो उसका शेप और साइज में कोई मेरा चेंजेस ना आए, ओके। देन फोर स्टेप होता है बर्निंग। लास्ट स्टेप है ये बर्निंग, कि हमारा जो ब्रिक को किस तरह से हम बर्न करेंगे कि मेरा जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अच्छे ब्रिक्स मिले, गुड ब्रिक्स हमें मिले। तो आइए अब हम बात करते हैं बर्निंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। हमारा बर्निंग प्रोसेस दो तरीके का होता है, पहला होता है क्लैंप बर्निंग, दूसरा होता है किल्स बर्निंग, ठीक है। क्लैंप बर्निंग में क्या होता है कि मेरा जो ब्रिक का बेंच के बर्निंग जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा, क्योंकि उसमें जो हम जो हीट सप्लाई करते हैं वो अनकंट्रोल्ड हीट सप्लाई होता है, ठीक है। तो क्लैंप बर्निंग में मेरा हो जाता है नो स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, यानी किसी भी तरह का मेरे को स्किल्ड लेबर का जरूरत नहीं पड़ता है,
इट इज चीप एंड इकोनॉमिकल। क्लैंप बर्निंग जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है और वो सस्ता होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, सेविंग ऑफ फ्यूल, हमारा किसी भी तरीके का फ्यूल उसमें हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो केरोसिन हो या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर कोल हो। क्लैंप बर्निंग से जो हमें ब्रिक्स मिलते हैं वो ब्रिक्स का साइज रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, कुछ उसमें डिसऑर्डर आ जाता है या फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से हो जाता है, ओके। और ये जो प्रोसेस है क्लैंप बर्निंग, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इस तरह से हम अगर एक बार ईंटा अगर हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो 2 से 3 महीना लग जाता है एक प्रोसेस में बनने के लिए। और फाइनली क्वालिटी इज नॉट सो गुड, जो क्वालिटी बनेगा मेरा क्लैंप बर्निंग में वो क्वालिटी उतना अच्छा ब्रिक्स का नहीं रहता है। अब देखते हैं किल्न बर्निंग के बारे में, ओके। किल्न बर्निंग में क्या होता है, हमें स्किल्ड लेबर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इट इज एक्सपेंसिव, ये हमारा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें जो हम बर्निंग जो सिस्टम मेरा रहेगा वो परमानेंटली रहेगा, ओके। तो इसमें हमारा जो कॉस्ट पड़ेगा वो ज्यादा पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसमें फ्यूल का बचत कम होता है, बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ब्रिक्स आर रेगुलर इन शेप, जो मेरा किल्न बर्निंग से जो मेरा ब्रिक्स निकलेगा वो ब्रिक्स क्या होगा, रेगुलर शेप में रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म साइज में रहेगा वो। और ये किल्न बर्निंग होता है ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है एज कंपेरिजन टू क्लैम्प बर्निंग। और जो किल्न बर्निंग से जो मेरे को ब्रिक्स मिलते हैं उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू क्लैम्प बर्निंग, ओके। क्योंकि जो किल्न बर्निंग होता है वो होता है कंट्रोल मेरा हीट सप्लाई के कारण, और जो क्लैम्प बर्निंग में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड हीट सप्लाई के कारण। तो इसमें क्या होगा, नीचे वाला ब्रिक जो है वो रहेगा, तो इसमें जो ब्रिक मिलते हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो हमने आज पढ़ लिया किसके बारे में, कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक, कि ब्रिक को हम कैसे बनाते हैं। 4 प्रोसेस होता है ब्रिक बनाने का, पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, दूसरा होता है मोल्डिंग, तीसरा होता है ड्राइंग, चौथा होता है बर्निंग। और बर्निंग का मेरा 2 मेथड है, क्लैम्प बर्निंग, किल्न बर्निंग, ठीक है। तो हमने इसमें बता दिया कि किल्न बर्निंग में क्या होता है और क्लैम्प बर्निंग में क्या होता है, ओके। तो बाकी के जो बचे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।